गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें मैं अपने हेयर्स को इतना रियलिस्टिक कैसे ड्रा करती हूँ। सबसे पहले मैंने पिंटरेस्ट से एक ली फोटो और उसकी ड्रा कर ली है मैंने आउटलाइन, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले न्यूट्रल, एक्चुअली तीन इंग्रीडियंट्स एक्चुअली यूज़ करूँगी इसमें मैं ओनली, एक न्यूट्रल पेंसिल चारकोल की और एक सॉफ्ट पेंसिल चारकोल की और एक चारकोल पाउडर और ब्रशेज कुछ और नथिंग एल्स, इसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं। और एक अरेज़र यूज़ करूँगी, वो अरेज़र होगी पेंसिल इरेजर, जिस मतलब पेंसिल इरेजर होगी उससे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे न्यूट्रल चारकोल पेंसिल लिया, उससे एक स्ट्रोक्स ड्रा करने शुरू किए, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने हेयर्स के पोर्शन बना लेने हैं, वो आपने पोर्शन कैसे बनाने अपनी पिक्चर से देखी, जहाँ लाइटर पोर्शन हैं, डार्कर पोर्शन हैं, फ्रंट से बैंग्स हैं या कुछ भी इस तरह का पोर्शन है, तो पहले पोर्शन ड्रा कर लिए। उसके अंदर भी हमने इस तरह ये देखे, सबसे पहले मैंने स्ट्रोक्स ड्रा कर लिए, उसके बाद मैंने चारकोल पाउडर ब्रश को लगा के उसके बाद उसको ब्लेंड करना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये देखिए मैंने चारकोल पाउडर लगाया उसको ब्रश के साथ और उसके बाद उसको ब्लेंड करना स्टार्ट किया, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके हेयर बहुत स्मूथ ड्रा होंगे। चारकोल पाउडर का ज़रूर अंदर यूज़ करें, ठीक है। और वैसे भी जब आप बहुत ज़्यादा डार्क स्ट्रोक या लगाते हो तो उससे चारकोल आपके पेपर पर बन जाता है, ये देखिए, ठीक है। वो स्ट्रोक्स काफ़ी ज़्यादा डार्क होते हैं तो जब उनको ब्रश लगाते हैं तो वो पाउडर बन जाता है। अब यहाँ पर हम सारे अपने पोर्शन को ड्रा, मैंने कानों के नीचे थोड़ा सा डार्क उस सॉफ्ट पेंसिल यूज़ किया है क्योंकि वहाँ पे ज़रा शेडोज़ पड़ रहे थे, वहाँ से पोर्शन थोड़ा डार्क था, ठीक है। अब ये साइड व्यू के हेयर हैं तो मैंने साइड से जो बाल नज़र आ रहे हैं वो ड्रा करूँगी यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ इनको मैं ब्रश के साथ ब्लेंड करते जा रही हूँ, इनको बाद में इनमें हाईलाइट्स रेजर की मदद से ऐड करके इनको रियलिस्टिक बना लेंगे। यहाँ पर भी देखिए मैं यहाँ पर जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ तो ताकि वो स्मूथ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मतलब उसके चौड़ी पिक्चर इस तरह की, वो एक दो बाल होते हैं ना ऊपर से थोड़े से डी शेप हुए हुए उस तरह थे, तो ये देखिए ये वाले और एक ये वाला बाल साइड से नीचे जा रहा है जो मैं अभी ड्रा कर रही हूँ। इसको यहाँ पे ड्रा करते जाएंगे। सबसे पहले आपने बेस बना लेनी, बेस का मतलब मेरे मैं मतलब अपनी अकॉर्डिंग जैसे ड्राइंग ड्रा करते मैं ये सोच रही हूँ सबसे पहले बालों की बेस बना लें, मतलब बालों को सारे कलर कर लें, ठीक है। ब्लैक मतलब वो चारकोल पाउडर से, चारकोल पेंसिल्स की मदद से, जिससे भी आपने करना है। उसके बाद आप उसमें हाईलाइट ऐड करें, उसके बाद आप उसकी डिटेल्स ऐड करें। डिटेल्स क्या है, आप देखिए यहाँ पे हल्के हल्के मैं बारीक बारीक बाल बनाए मैंने, ठीक है, बहुत डिटेल्स। अब यहाँ पे मैंने एक रेज़र ले लिया, रेज़र पेंसिल, ठीक है, ये रेज़र है। यहाँ सबसे पहले मैं हाईलाइट्स ऐड करूँ। हाईलाइट्स आपने बहुत गौर से ऐड करने हैं, अपनी पिक्चर से देखें जहाँ पर रोशनी पड़ रही है, जहाँ से आपको हाईलाइट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप हाईलाइट अपनी मर्ज़ी से डाल देते हैं आपकी पिक्चर रियलिस्टिक नहीं लगेगी, फेक लगेंगे बाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो ऊपर से बाल के दो तीन बाल ऊपर से उठ के आए हों, उनके नीचे मुझे लाइटर पोर्शन करना है ताकि वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे मैं उसके नीचे लाइट कर रही हूँ उसको, ठीक है। और इसको एक ही दफ़ा सिर्फ ये हाईलाइट्स ऐड नहीं करने, आपने इसको एक दफ़ा ही हाईलाइट ऐड करके उनको फिर ब्लेंड कर लेना है। उसके दोबारा एटलीस्ट मैंने तीन से चार दफ़ा हाईलाइट्स ऐड किए हैं इस ड्राइंग में, ठीक है। उसके बाद हेयर लिपस्टिक ड्रा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा देखे दोबारा ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेंसिल को दोबारा से अपने रेजर को शार्प कर लेना है ताकि वो जो ब्रीक बालों में स्ट्रोक्स बन सके। अब मैं दोबारा यहाँ पर स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो ये देखिए ये दोबारा से, इससे ये होगा कि आपके पहले आपने जब दोबारा ब्लेंड कर देंगे तो वहाँ से थोड़ा सा पोर्शन लाइट हो जाता है, मतलब जिस तरह लाइट पड़ रही होती है बालों पर। उसके बाद जब आप इसको रेज को शार्प करके दोबारा से अप्लाई करेंगे तब आपके एक्चुअली हेयर में रियलिस्टिक नज़र आएगा, ठीक है। तो ये है फाइनली माई ड्राइंग की फाइनल लुक। तो ज़रूर अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा कॉमेंट में कैसी ड्रा हुई है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगी है। और मैं अपनी ड्राइंग को फिक्स करती हूँ फिक्सिंग स्प्रे से। इट्स अ वन मोर टिप और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।